हाँ तो बच्चों आइए, क्लास 10 साइंस में हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आपको रिफ्लेक्शन बताने से पहले हम आपको मिरर के बारे में स्टडी कराएंगे, मिरर के बारे में स्टडी कर लेंगे, फिर हम आपको सिखाएंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो आइए देखिए, रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना है मिरर में, इस चैप्टर के अंतर्गत, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन मिरर में, और जो रिफ्रैक्शन होता है वो हमें पढ़ना है लेंसेज में। इतनी बात क्लियर हुई, क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन पढ़ना है मुझे मिरर में और रिफ्रैक्शन पढ़ना है हमें लेंस में। तो हम आपको पहले मिरर के टाइप्स बता देंगे, मिरर के बारे में स्टडी करा देंगे, फिर आपको बताएंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, आगे की बातें फिर करते चलेंगे। आइए देखिए, मिरर को अगर हम मिरर को क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्लेन मिरर, फर्स्ट इज प्लेन मिरर एंड सेकेंड इज स्फेरिकल मिरर। सेकेंड इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, जो प्लेन मिरर होता है ये हमारा सिंपल मिरर, तो उसको हम सेविंग मिरर भी कहते हैं। मिरर क्या होता है ये पहले जान लीजिए आप। तो मिरर जो होता है उसका एक सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, सिल्वरी और ब्लैक, सिल्वर और ब्लैक कलर का पॉलिश्ड होता है मिरर सरफेस। क्यों पॉलिश्ड होता है? कि जब इस पे हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो ये हमें क्या देती है, रिफ्लेक्ट देती है, जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अभी आगे बातें आपसे बता रहे हैं, आगे बातें करते हैं इसमें। तो प्लेन मिरर क्या है, इसी को हम सेविंग मिरर भी कहते हैं। प्लेन मिरर को क्या कहते हैं, हम सेविंग मिरर भी कहते हैं। तो ये ब्लैक कलर का पॉलिश हो गया, फिर हमने क्या कर दिया, इसको सिल्वर पॉलिश कर दिया, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। ये क्या हो गया हमारा प्लेन मिरर। आइए अब कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, केव का मतलब होता है गुफा लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे केव मतलब क्या होता है, गुफा। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, केव हो गया। इसका जो बैक सरफेस है इसको हम क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे सिल्वर से और ब्लैक पॉलिश कर देंगे। ये हो जाएगा क्या हमारा मिरर हो गया। ये क्या हुआ हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये इसका बल्ज सरफेस, इसी मीडियम का क्या होगा, इसी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ये बल्ज सरफेस। अब हम के वाले साइड को क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे सिल्वर और ब्लैक पॉलिश। तो ये हो गया आपका क्या, कॉनवेक्स मिरर। ओके, ये क्या हुआ, कॉनवेक्स मिरर। ओके, तो ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ये रहा कॉनवेक्स मिरर। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन क्या है कि किसी भी मिरर पर, किसी भी मिरर पर, चाहे आप प्लेन मिरर ले लो, चाहे कॉनकेव, चाहे कॉन्वेक्स मिरर, उस पर अगर हम किसी पॉलिश्ड सरफेस या किसी मिरर पर अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराएं, लाइट को क्या कराएं, इंसिडेंट कराएं। अब जैसे हम प्लेन मिरर पे लाइट एक रेज आ रही है, उसको हम इंसिडेंट करा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये टकराएगी सरफेस से। टकराने के बाद जिस एंगल से ये इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा आई, और इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे, एंड दिस इज आर, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्टेड रे है। तो इस फेनोमेना के, मतलब लाइट के दो फेनोमेना है। पहला फेनोमेना यह है कि किसी पॉलिश सरफेस पे अगर लाइट टकराती है, लाइट आकर गिरती है, तो वो क्या होगी, उस सरफेस से टकराने के बाद उसी एंगल से, यहाँ पे जितना एंगल ये बना रहा था इसको हम कहेंगे एंगल आई, और उसी एंगल से ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा एंगल से ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कि किसी भी मीडियम से, किसी भी पॉलिश मीडियम से, किसी भी पॉलिश सरफेस से अगर लाइट इंसिडेंट करती है, इंसिडेंट के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी, टकराएगी, टकराने के बाद वापस इस डायरेक्शन में लौट जाएगी। कॉनकेव मिरर पे अगर हम देखें, तो इस पे अगर हम लाइट को क्या कराएं, इंसिडेंट कराएं, तो देखो स्फेरिकल मिरर को पढ़ने से पहले, तो हमने प्लेन मिरर पे आपको बता दिया रिफ्लेक्शन क्या है। स्फेरिकल मिरर पढ़ने से पहले हम आपको कुछ टर्म क्लियर करेंगे यहाँ पे। ओके, तो आइए हम कुछ टर्म आपका क्लियर करते हैं स्फेरिकल मिरर में, इसको हम इरेज करते हैं।
ओके अब आइए देखिए कौन से टर्म है। अब देखिए जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर किसी स्फेरिकल मिरर का बात करें चाहे कॉनकेव, तो एक हम बनाते हैं कॉनकेव, एक बनाते हैं कॉन्वेक्स। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर और यही साइड में बनाया हमने कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या होगा कॉनकेव मिरर का पीछे वाला सरफेस पॉलिश होगा, बैक सरफेस को हमने क्या कर दिया पॉलिश कर दिया ओके, और कॉन्वेक्स मिरर का हमने कॉनकेव सरफेस वाला क्या कर दिया पॉलिश कर दिया ओके। अब देखिए तो ये क्या है जो आपका स्फेरिकल मिरर है वो क्या है कि स्फेयर का पार्ट है, जो आपका मिरर है वो क्या होगा एक कंप्लीट स्फेयर का क्या है पार्ट है। ये भी क्या होगा आपका एक कंप्लीट स्फेयर का पार्ट है, ये भी क्या है कि कंप्लीट स्फेयर का पार्ट। तो अगर ये स्फेयर है एक कंप्लीट स्फेयर है तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा सेंटर होगा, कहीं ना कहीं इस स्फेयर का सेंटर होगा, यहाँ पे भी क्या होगा कहीं ना कहीं इस स्फेयर का क्या होगा सेंटर होगा। तो इस सेंटर को हम कहते डिनोट करते हैं सी से डिनोट करते हैं, इसको भी हमने किससे डिनोट किया सी, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको भी हमने क्या नाम दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, जो इस मिरर का मिड पॉइंट होगा उसको कहते हैं हम पोल, इसको दिखाते हैं किससे डिनोट करते हैं पी से। अब इस पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसका क्या नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए ये क्या है स्फीयर का सेंटर है और इस सर्कल से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, ये हो गया हमारा रेडियस हो गया, इसको हम रेडियस कह सकते हैं, इसको कहते हैं इसको हम दिखाते हैं आर से, द डिस्टेंस बिटवीन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस, तो इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको क्या कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ओके, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो मिड पॉइंट पे क्या होता है यहाँ पे फोकस होता है, क्या होता है फोकस, जिसको हम यफ से दिखाते हैं, तो ये यफ क्या हो जाएगा फोकस आर फोकल पॉइंट, फोकस आर इसी का दूसरा नाम क्या है फोकल पॉइंट। अब देखिए यहां से यहां तक सी से पी तक का क्या था ये रेडियस था, तो अगर ये मिड पॉइंट पे है तो R और F के बीच में अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो अगर ये क्या है आपका X है तो ये क्या हो जाएगा X हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी C एंड P, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया X, 2X हो जाएगा, और F और P क्या हो जाएगा ये आपका X हो जाएगा। तो रिलेशनशिप क्या हो गया R में और F में, तो F इज इक्वल टू होता है R अपॉन 2, ये फार्मूला भी आपका हो गया और यहां से आ गया, क्यों क्योंकि इसके मिड पॉइंट पे है तो इसकी जो डिस्टेंस होगी इसको हो जाएगी हाफ। तो फोकस यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, इसको क्या कहते हैं हम फोकल लेंथ, इसको क्या कहते हैं हम फोकल लेंथ ओके। तो इतनी सारी टर्मिनोलॉजी थी जो आपको समझना था इस स्फेरिकल मिरर को पढ़ने से पहले। तो आइए अब हम दिखाते हैं आपको कि कैसे जो है लाइट कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट करती है ओके। आइए अब हमने क्या किया यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर बनाया और एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, एक कॉनकेव मिरर बनाया और दूसरा हमने बना लिया कॉन्वेक्स मिरर ओके। ये कॉनकेव मिरर रहा, ये सरफेस क्या होगा ये पॉलिश कर दिया हमने, और ये भी सरफेस क्या होगा इसका कॉनकेव सरफेस क्या होगा पॉलिश कर दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लिया, ये क्या है हमारा पोल, यहाँ कहीं पे इसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन दोनों के मिड में क्या है फोकस, ऐसे ही यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कहीं पे इसका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ मिड पॉइंट पे क्या है इसका फोकस और ये क्या है मिड में इसके पोल, और ये जो पोर्शन होता है जो ये मिरर का पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कर्व अपर्चर, इसको क्या बोलते हैं हम अपर्चर बोलते हैं ओके, इसको अपर्चर बोलते हैं। तो अब देखिए क्या होगा,
कि अगर इस पे हम लाइट इंसिडेंट कराएं, हमने आपको रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ाया कि कोई रे ऑफ लाइट अगर आती है इस मिरर से टकराती है, टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, जिस एंगल से आएगी उस एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट आ रही है और ये इंसिडेंट की रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहां से रिटर्न हो जाएगी, फोकस से रिटर्न हो जाएगी। और अगर इसमें हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक रे ऑफ लाइट आई और ये क्या हो जाएगी, बाउंसिंग बैक, ये रिफ्लेक्ट हुई इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हुआ, एंगल आई और ये हो जाएगा एंगल आर। ये क्या हुआ एंगल आई, ये क्या हुआ एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। एंगल आई क्या है आपका, इंसिडेंट रे, ये क्या है इंसिडेंट रे और ये क्या है हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो जो कॉनकेव मिरर होता है अगर हम इसमें इस रेस को बढ़ाएं, ये जो आपके रे ऑफ लाइट आई ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आई, आने के बाद टकराई, टकराने के बाद इस डायरेक्शन में क्या हो गई, रिटर्न हो गई। अब इसको अगर हम आगे प्रोड्यूस करें तो ये कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, फोकस से जाएगी। ओके, अब ऐसे ही हम अगर इस सरफेस पे दूसरी रे ऑफ लाइट लाए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या होगी, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगी तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। और फिर यहाँ पे अगर हम एक दूसरी रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम पास कराएं, तो इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, ये बाउंसिंग बैक हो गई इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने के बाद। और इसको अगर हम आगे प्रोड्यूस करें तो कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ओके, अब हम इसमें पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ये क्यों कहते हैं हम आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर नए हो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।